हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने अपने केदारनाथ यात्रा के लेटेस्ट एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जो कि मैंने सितंबर 2024 में ही कंप्लीट की है। तो अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि आप यात्रा कैसे प्लान कर सकते हो, क्या चीज़ वहाँ जाने के लिए मैंडेटरी है, कहाँ आप रुक सकते हो और कैसे आप अपनी यात्रा को स्मूथ बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट गौरीकुंड है। पहले ये यात्रा 16-17 किलोमीटर की होती थी, बट जून 2013 सुनामी के बाद ये यात्रा टोटल 22 किलोमीटर की हो गई है। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपको हरिद्वार ऋषिकेश से अवेलेबल है, जो सोनप्रयाग तक जाते हैं, और सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद गौरीकुंड के लिए कैब मिलती है। सोनप्रयाग टू गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। हम भी हरिद्वार से पूरे जोश के साथ यात्रा के लिए निकले। केदारनाथ यात्रा के लिए मैंडेटरी है यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करा सकते हो। ऑनलाइन आप करते हो तो सिंपल आपको यात्रा लिख के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। होटल के लिए मैं होटल ओमकारेश्वर को कंसीडर करूँगी, जो कि सीतापुर में है, सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले। ये बहुत ही अच्छा होटल है, रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी। फाइनली होटल में चेक इन करने के बाद हम सोनप्रयाग पहुँचे और सोनप्रयाग में हम रजिस्ट्रेशन चेकिंग की लाइन में लगे और चेक इन कराने के बाद हम आगे बढ़े और 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद, आप देख रहे हो रास्ता के थोड़ा सा ख़राब है, 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद हम कैब लेके गौरीकुंड स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे और ये है स्टार्टिंग पॉइंट यात्रा का। यहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया और रास्ता पूरा ख़राब नहीं है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा रास्ते में। इतने वाटरफॉल्स मैंने जितने केदारनाथ में देखे हैं इतने मैंने कहीं नहीं देख हिली एरिया पे देखे, जहाँ पे भी मैं अभी तक गई हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर लगेगा आपको सारा कुछ। रास्ते में आपको खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मेडिसिन कुछ कैरी कर लेनी है अपने साथ, क्योंकि मेडिसिन की शॉप कम है, लेकिन आपको खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको पोनी, पिट्ठू, डोली सब अवेलेबल है, तो जहाँ पे भी आपको लगे आप थक गए हो तो आप ये सुविधा ले सकते हो। सब जगह से सुविधा अवेलेबल है और केदारनाथ के सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़े और हमने अपनी 22 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। मंदिर के कम से कम 500 मीटर पहले हमने अपने टेंट बुक किए थे और टेंट मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुक किए थे, GMVN साइट से, तो आप भी कंसिडर कर सकते हो। बट वहाँ जाके हमें पता लगा कि काफ़ी पब्लिक टेंट्स भी हैं वहाँ अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप बुक नहीं करते गवर्नमेंट की साइट से तो वहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। हमने पहले दिन रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हम रेडी हुए केदारनाथ दर्शन के लिए। केदारनाथ मंदिर के पास पहुँचते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, बहुत सुंदर मंदिर है, आस पास इतनी सारी शॉप्स हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, समय कम था इसलिए हमने पेड दर्शन लिया और पेड दर्शन हम लोगों को 1000 रुपीज़ पर हेड पे पड़े, लेकिन उन्होंने, पुजारी जी ने काफ़ी अच्छे से हमें दर्शन कराया, जल अभिषेक कराया। और केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस नीचे उतरना हमने शुरू किया। एवरीवन, फाइनली वी डिड इट, हम लोगों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। आप देख रहे हो पीछे वेदर बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे शिव जी जी ने मुझे पर्सनली बुलावा भेजा है, कोई मना नहीं कर सकता। इतने लैंडस्लाइड्स, इतने सबके न्यूज़ आए थे, लेकिन फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए। हर हर महादेव। उतरते टाइम इतनी थकान महसूस नहीं हुई जितनी चढ़ते टाइम हुई थी। चढ़ते टाइम हमें 12 घंटे लग गए चढ़ने में, लेकिन उतरते टाइम हम 7 से 8 घंटे के बीच में ही हम नीचे आ गए, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था केदारनाथ दर्शन का, इतनी खुशी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा केदारनाथ जाके। आपने अगर प्लान नहीं किया तो आप जरूर प्लान करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।